Assalamu alaikum. This is fifth lecture of the Prevention of Electronic Crime Act 2016. In this video, we will discuss section 13, 14, 16 and 17. So, section 13 is about electronic forgery. First of all, we need to know what is electronic forgery or digital forgery. Creating a fake copy or imitation of a document or an object with intention to deceive is called electronic forgery or digital forgery. अब section 13 में क्या है कि जब कोई बंदा उसकी interfere करता है किसी भी information system, device या data में, intention क्या है, किसी public को या किसी भी person को कोई damage या injury cause करना या harm cause करना या फिर ऐसे circumstances create करना कि आप उसमें किसी भी person को आप उसके साथ कोई भी इलीगल क्लेम या टाइटल आप उसके साथ करते हो या फिर ऐसी सरकमस्टांसेस काज करना कि कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी की जो पोजेशन है वो आपको दे दे या किसी किस्म के एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कोई कर ले या फिर कोई पर्सन जब किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम डिवाइस या डेटा में इंटरफेयर करता है इंटेंशन क्या है टू कमिट फ्रॉड बाय एनी इनपुट अल्टरेशन डिलीशन सप्रेशन ऑफ डेटा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि एक अनऑथेंटिक डेटा क्रिएट करना जिसका उन्हें ये हो कि ये इसको कंसीडर किया जाए और इस पे अमल किया जाए एज एन ऑथेंटिक डेटा इस फैक्ट के रिगार्डलेस के वो आया ऑथेंटिक लगता भी है या नहीं है या जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी कमिट करते हैं तो वो इतने अच्छे तरीके से फॉर्जरी करते हैं कि वो चीज रियल लगती है लगते है कि ये असल में ये ही चीज है उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं हुई. फॉर्जरी का रिस्क क्या है कि फॉर्जरीज आर डेंजरस बिकॉज ऑफन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज देम एज फेक. इन सच केसेस द विक्टिम ऑफ दीज एक्ट्स मे सफर फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस लॉस ऑफ रेपुटेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिजिटल फॉर्जरी. अब एग्जाम्पल क्या आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी की कि ये इसकी एग्जाम्पल कोई भी सिग्नेचर किसी का सिग्नेचर आप कॉपी कर रहे हैं उसको आप किसी भी बंदे का या किसी गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट आप कॉपी कर रहे हैं जैसे कोई लाइसेंस आप फेक बना रहे हैं या बर्थ सर्टिफिकेट या कोई डिग्री फेक बना रहे हैं तो ये भी फॉर्जरी में आ जाएगा. या फिर आप किसी का कोई डिजाइन है या उसकी कोई क्रिएशन है या उसका आप कोई रेप्लिका बना रहे हैं एज इट इज तो ये भी फेक फॉर्जरीज में आ जाएगा. अब सेक्शन 13 कहता है कि जो कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी कमिट करता है तो उसको पनिशमेंट होती है 3 साल कैद 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट विद और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 250,000 रुपीज या फिर दोनों. अब नेक्स्ट वो कहता है सेक्शन 13 कि कोई भी अगर यही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी कमिट करता है इसका ऑफेंस कमिट करता है इन रिलेशन टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा तो फिर उसकी पनिशमेंट क्या होगी 7 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों. अब यहाँ पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या डाटा जो है वो क्या होता है ये समझना जरूरी है. क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बॉडी ऑफ सिस्टम नेटवर्क्स एंड एसेट्स that are so essential that their continued operation is required to ensure the security of a given nation, its economy and public health or safety etc. तो ऐसा कोई भी data जो public से related हो government से related हो economy से related हो या किसी भी institution organization से related हो तो वो सारा critical infrastructure या critical data कहलाता है. अब जो कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी कमिट करता है किसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या क्रिटिकल डाटा के में तो उसको 7 लाख कैद और 5 मिलियन रुपीज जुर्माना होगा. नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड अंडर सेक्शन 14. अब इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड ई फ्रॉड या इंटरनेट फ्रॉड क्या है
के इन्वॉल्व्स यूजिंग ऑनलाइन सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर विद एक्सेस टू इंटरनेट टू डिफ्रॉड और टेक एडवांटेज ऑफ विक्टिम। अब ये इंटरनेट फ्रॉड जो है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड जो है, ये जनरली कवर्स साइबर क्राइम एक्टिविटीज एंड टेक प्लेस ओवर द इंटरनेट और ऑन ईमेल, इंक्लूडिंग क्राइम्स लाइक फिशिंग, हैकिंग एक्टिविटीज एंड आइडेंटिटी थेफ्ट एटसेट्रा। तो ये जितने भी हो गए ये इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड या इंटरनेट फ्रॉड के इसमें आ जाएगा। अब सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 कहता है कि जो कोई बंदा, उसकी इंटेंशन क्या है, किसी किस्म का रॉन्गफुल गेन हासिल करना। अब रॉन्गफुल गेन क्या है? कोई भी इलीगल अनलॉफुल मीन के जरिए आप कोई प्रॉपर्टी या कोई बेनिफिट या किसी चीज के कोई ऐसी चीज हासिल करते हो जिसके आप लीगली इंटाइटल नहीं हो, और आप उसको हासिल करने के लिए इलीगल सोर्सेज या अनलॉफुल मीन्स आप इस्तेमाल करते हो, तो उसको रॉन्गफुल गेन कहते हैं। अब सेक्शन 14 कहता है कि जब कोई पर्सन जिसकी इंटेंशन हो कोई भी रॉन्गफुल गेन हासिल करना है, वो इंटरफेयर करता है किसी भी इंटरफेयर करता है या इस्तेमाल करता है किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम डिवाइस या डाटा को, या फिर किसी पर्सन को इंड्यूस करता है कि वो और उसे उस पर्सन को डिसीव करता है कि वो उसके साथ कोई रिलेशनशिप बना ले, और वो ये तमाम चीजें करता है उस पर्सन को हार्म या डैमेज पहुंचाने के लिए, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड और इलेक्ट्रॉनिक या ई फ्रॉड में आ जाते हैं अंडर सेक्शन 14। अब जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड या ई फ्रॉड कमिट करता है उसकी पनिशमेंट क्या है? 2 year इम्प्रिजनमेंट विद अ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 10 million rupees या फिर दोनों। अब इसकी एग्जाम्पल में, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड की एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा कि ईमेल फिशिंग स्कैम है, ग्रीटिंग कार्ड स्कैम्स है, क्रेडिट कार्ड स्कैम्स है, ऑनलाइन डेटिंग स्कैम्स है, लॉटरी फी फ्रॉड्स हैं, तो ये सारे इसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं। अब अनऑथोराइज यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 16 क्या कहता है? ये कि जब कोई भी बंदा आपकी आइडेंटिटी, किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन उस बंदे की परमिशन के बगैर, ऑथोराइजेशन के बगैर ऑब्टेन कर ले, सेल्स करे, पोजेस करे, ट्रांसमिट करे, यूज करे, तो ये सब आ जाता है अनऑथोराइज यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। अब इसमें एग्जांपल क्या आ जाती है कि आप किसी भी बंदे का क्रेडिट कार्ड जो है, या आप उसके ईमेल एड्रेस या उसकी आइडेंटिटी आप हैक कर लेते हो, ठीक है। अब आप उस ईमेल एड्रेस के जरिए आप उसके क्रेडिट कार्ड्स में ईमेल एड्रेस चेंज कर देते हो, उसके आप कोई भी चीजें बाय करते हो, और ऐसी चीजें बाय करते हो जो आप आगे उनको बेच सको, या फिर आप उनके बैंक अकाउंट ड्रेन करना शुरू कर देते हो, या आप कोई फोन या वायरलेस सर्विस अटेन कर लेते हो उस बंदे के नाम पे, या अपने नाम पे आप ले लेते हो वो उस बंदे की आईडी यूज करते हुए, तो ये सारे आ जाते हैं अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। अब जो कोई अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन करता है, तो उसके बारे में क्या के पनिशमेंट क्या दी गई है सेक्शन 16 में, कि पर्सन हु कमिट दिस ऑफेंस shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 5 million or with both। अब 3 साल कैद या 5 million rupees जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। अब जिस पर्सन की आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन जो है उसके जरिए कोई चीज ऑब्टेन की गई हो, बेची गई हो, पोजेस की गई हो, या उसकी आइडेंटिटी यूज की किया गया हो, या कोई भी ट्रांसमिट की गई हो कोई इंफॉर्मेशन, तो वो बंदा अप्लाई कर सकता है किसी अथॉरिटी के फॉर सिक्योरिंग, डिस्ट्रॉइंग, ब्लॉकिंग एक्सेस और प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, एंड द अथॉरिटी ऑन द रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन मे टेक सच मेजर डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर सिक्योरिंग डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ सच आइडेंटिटी एंड इंफॉर्मेशन। अब अनऑथोराइज इश्यूएंस ऑफ सिम कार्ड एटसेट्रा अंडर सेक्शन 17 ये कहता है कि जो कोई भी बंदा सेल करे कोई भी सिम कार्ड या रीयूजेबल आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल या कोई भी यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड
सर्किट कार्ड और अदर मॉड्यूल डिजाइन फॉर ऑथेंटिकेटिंग यूजर्स, जिसमें कोई कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो सके, और किसी भी सेलुलर मोबाइल में, वायरलेस फोन में या किसी डिजिटल डिवाइसेस में जैसे कि टैबलेट्स वगैरह होते हैं उनमें इस्तेमाल हो सके। अब वो बंदा वो जो सिम कार्ड्स है वो बेच रहा है बगैर किसी वेरिफिकेशन के, बगैर किसी तस्दीक के किसी भी बंदे को उठा के दे देता है, या फिर किसी और बंदे का वो सिम कार्ड है या कोई भी ऐसा डिवाइस है तो वो उसको दे देता है कि इस्तेमाल करने के लिए टेम्परेरली, कि आप इतने वक्त के लिए इसे यूज़ कर लो, या फिर किसी भी बंदे का आईडी कार्ड के ऊपर आप अपने उसका आईडी कार्ड इस्तेमाल करते हुए कोई सिम ले लेते हो, वो फिर आप आगे दे देते हो, या कोई ऐसी सिम जिस जो कि किसी पहले किसी बंदे के नाम रजिस्टर है, आप उसकी परमिशन के बगैर किसी और बंदे को वो सिम दे देते हो, बेच देते हो। तो ये इसमें अंडर सेक्शन 17 ये क्राइम है। इसकी पनिशमेंट क्या है? कोई भी ऐसा पर्सन जो ऐसा काम करता है शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 500,000 रुपीज और विद बोथ। सो ये इसकी पनिशमेंट आगे सेक्शन 17 की। So this is the end of my video. Please subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.